सदा निर्मल सिंह जी खालसा, प्यारी साध संगत जीओ, सारे ने मेरे नाल मिलके गुरु महाराज की फतेह बख्शानी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अभी अभी हमने ये शब्द सुना, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी तुंद जग चानन होया। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ये प्रकाश, धरती पर ये चानन 550 बरस पहले हुआ था, और अभी कुछ दिन बाद ही हम गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाना शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी उसी के निमित्त हमने आयोजित किया था, लेकिन मुझे आपको बताते हुए ये खुशी है कि ये प्रकाशोत्सव हम पूरी दुनिया में मनाएंगे। हर एम्बेसी, हर मिशन इसको मनाएगा, ICCR इसको मनाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज के इस उबलते हुए विश्व में, जहां हिंसा और हत्या का बोलबाला है, जहां धर्म और मजहब के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, वहां इस अवसर का लाभ उठाकर हम सिख धर्म की सारी शिक्षाओं, गुरु नानक देव जी के संदेश और सिख गुरुओं के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करें। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये वो धर्म है जिसका ध्येय है एक ओंकार, गॉड इज वन। ये वो धर्म है जो कहता है एक पिता एकस के हम बारक। ये वो धर्म है जो कहता है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के को सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये वो धर्म है जो कहता है मानस की जात सबे एके पहचानी बो। ये वो धर्म है जो कहता है कीर्त करो वंचक को नाम जपो। और ये वो धर्म है जो महिलाओं के लिए कहता है सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। हम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि भारतीय शास्त्र जो कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। केवल विद्वान लोग अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरे विश्व में कोई भी धर्म ग्रंथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां उस धर्म के धर्म गुरुओं के अलावा किसी अन्य की वाणी, किसी अन्य के प्रवचन को शामिल किया गया हो। पूरे विश्व में एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, जहां सिख धर्म के दसवों गुरुओं के अलावा अन्य संतों की, महात्माओं की, सत्पुरुषों की वाणी को शामिल किया गया है। और वाणी शामिल करते हुए न जात देखी गई न मजहब। बाबा फरीद की वाणी भी इसमें है, संत रविदास की वाणी भी इसमें है। मैं अगर बाबा फरीद के लिए आपको एक बताऊं, आप चौंक जाएंगे। मैं 3 बरस पहले इजराइल और फलस्तीन की यात्रा पर गई थी। वहां जेरूसलम में मुझे बताया गया कि यहां एक जगह है, एक स्थान जहां बाबा फरीद आए थे, और वो अभी तक बाबा फरीद सराय के रूप में रखा गया है। मैंने कहा मैं जाना चाहूंगी। मैं गई देखने के लिए तो देखा उसका नाम है अल हिंद सराय। भारत का ही एक मुस्लिम परिवार, अंसारी परिवार, जिसके मुखिया मोहम्मद मुनीर अंसारी इस समय 86 वर्ष के हैं, वो पूरा का पूरा परिवार उस अल हिंद सराय की देखभाल कर रहा है। जैसे गुरु नानक देव जी जगह जगह गए, उसी तरह से बाबा फरीद भी कहां कहां नहीं गए, उनकी वाणी को भी शामिल किया गया है। और फिर केवल ग्रंथ की रचना नहीं कर दी, एक आदेश दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, कि यही आपके गुरु हैं। और तब से हर सिख भाई बहन ग्रंथ साहब को ही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि खालसा जी ने पहला शब्द वही गाया, कोई कहे राम राम कोई कहे खुदाई, कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वही हमारा पिता है, वही हमारा फादर है, और हम सब उसके बच्चे हैं। अगर हमारा पिता एक है और हम सब उसके बच्चे हैं, तो फिर झगड़ा और फसाद की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? फिर तो हम भाई भाई हैं, फिर तो हम भाई बहन हैं।
ये संदेश आज की इस दुनिया में पहुंचाना बेहद जरूरी है। गुरु नानक जी का संदेश, किर्त करो, वण छको, नाम जपो, ये तीन टीचिंग्स हैं, ये तीन शिक्षाएं उनकी। किर्त करो तब निठल्ले मत बैठो, निकम्मे मत रहो, काम करो, कमा कर खाओ। एक प्रेरणा जो कृष्ण ने कर्म की दी थी गीता में, कह रहे हैं गुरु नानक देव, किर्त करो, काम करो, कर्म करो, वण छको, बांट कर खाओ। आज के इस प्रोटेक्शनिज्म के युग में, जब आई मी और माई सेल्फ, मैं मेरा और मुझको, इसमें वण छको से ज्यादा बेहतर संदेश कौन सा हो सकता है। बांट कर खाओ, केवल खाना नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास अर्जित किया है तुमने, जो संपत्ति अर्जित की है, उसे गरीबों में बांट कर खाओ। मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि अगर किसी मोहल्ले में गुरुद्वारा होता है तो उसके आसपास के लोग कभी रात को भूखे नहीं सो सकते। इवन जो यहां से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, वो आकर कहते हैं कि हमें तो खाना ही एक दिन मिलता है इतवार को, जब गुरुद्वारा हमें खाना देता है। अभी कुछ दिन पहले कैनेडा से कुछ बच्चे आए थे, टोरंटो से, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा, और खाने वाने का क्या करते हो? तो बोले, आंटी खाना तो एक ही दिन भरपेट मिलता है, जिस दिन गुरुद्वारे में जाते हैं इतवार को। और वो केवल खाना ही नहीं खिलाते, हमको कहते हैं अपने अपने टिफिन ले आया करो, शाम का खाना भी दे देंगे। तो उस दिन का खाकर आते हैं और रात का लेकर आते हैं। ये परंपरा कहां है? नाम जपो, प्रे करो, मेडिटेट करो, उस ईश्वर को याद करो, जिसके बच्चे हो उसको कभी भूलो मत, उसे याद करो। ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो संदेश हैं, आज विश्व को इसकी जरूरत है, आज दुनिया को इसकी जरूरत है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि गुरु नानक जी का जो 550वां प्रकाश उत्सव है, उसको आधार बनाकर हम पूरी दुनिया में सिख धर्म की जो शिक्षाएं हैं, गुरबानी कीर्तन के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, सब जगह ले जाएंगे। मैं आज वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि मंत्रालय तो अपना काम करेगा, ICCR भी करेगा, लेकिन आज समय है जब हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आइए हमारे साथ मिलिए, और पूरे वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं रुकना चाहिए, चाहे वहां सिख डायस्पोरा हो या ना हो, लेकिन हम लोग सहयोग से दुनिया के हर देश में, छोटे या बड़े देश में, कम से कम एक कार्यक्रम गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव के निमित्त जरूर करें, ताकि दुनिया को ये बता सके ये धर्म क्या है, बता सके कि पूरी दुनिया में अमन और चैन का संदेश देने वाला, सद्भाव और सौहार्द का संदेश देने वाला, सह अस्तित्व का संदेश देने वाला, और इस पूरे दुनिया में शांति कायम करने का संदेश देने वाला ये धर्म है। इसका प्रचार और प्रसार हम गुरु नानक जी के इस 550वें प्रकाश उत्सव के माध्यम से करें। आप हमारा साथ देंगे, इसी कामना और विश्वास के साथ मैं दोबारा फतेह बुलाती हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।